नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। महोबा में पेंशनर्स और पत्रकारों द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता और शपथ अभियान को गांव गांव तक ले जाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी से पर्यावरण संरक्षण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, जहाँ पर्यावरण बचाव को लेकर सीडीओ ने भी शपथ पत्र भरकर इस अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल के माध्यम से बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को न केवल निर्देशित किया बल्कि खुद भी इस अभियान में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दरअसल आपको बता दें, बुंदेलखंड के महोबा जनपद से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम की शुरुआत गति लेती जा रही है। जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए पेंशनर्स और पत्रकार एकजुट होकर पर्यावरण को बचाने की शपथ और जागरूकता अभियान को चला रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान और संयुक्त मीडिया क्लब की ये पहल गांव-गांव तक पहुंचे, इसको लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जिले के मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार से मुलाकात की, जहां सीडीओ ने खुद शपथ पत्र भरकर इस अभियान में मदद का आश्वासन दिया। यही नहीं, वार्तालाप के दौरान कैसे पर्यावरण को संरक्षण के प्रति जागरूकता और शपथ कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाया जाए, जिसको लेकर भी सुझाव दिए। सीडीओ ने शपथ पत्र पढ़कर सभी सरकारी कार्यालयों, ग्राम प्रधानों और आम जन से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने पेंशनर्स और पत्रकारों की इस मुहिम की सराहना भी की है। इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए सभी वर्गों को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने पॉलीथीन के प्रयोग को बंद करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान के महामंत्री बी के तिवारी, संयुक्त मीडिया क्लब के जिलाध्यक्ष भगवान दीन यादव, बुंदेलखंड प्रभारी इरफान पठान, कफील अहमद, अजय अनुरागी, शारिक नवाज, इमरान खान, मोहम्मद आशिफ, महेंद्र राजपूत, बसंत लाल गुप्ता, जगदीश कुमार, लक्ष्मी त्रिपाठी, परमेश्वरी दीन आदि लोग मौजूद रहे। स्वच्छ महोबा, स्वस्थ महोबा अभियान 2024 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश एवं संयुक्त मीडिया क्लब महोबा द्वारा आयोजित पर्यावरण संरक्षण हित जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह वर्तमान में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य में है। और मैं इन सबको, वरिष्ठ नागरिकों को, इस कार्य के लिए बधाई देता हूँ कि आपने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं अपने अधिकारियों से भी और जनप्रतिनिधियों से भी जो हमारे ग्राम स्तर पे हैं, उन सबके लिए भी मैं प्रेरित करूँगा कि आपके पर्यावरण में सबसे अच्छा सहयोग करते हुए ही महोबा को स्वच्छ बनाएं और पर्यावरण को शुद्ध रखें।